हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवानी अमानी क्रिएटिव। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग क्राफ्ट। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। और ये बनाया है मैंने पुरानी वेस्ट पड़ी सीडीज से। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड। ये देख सकते हैं आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कितना भी बड़ा छोटा ले सकते हैं। और अब ये लिया है मैंने ब्लैक कलर और एक ब्रश। और इस ब्रश की हेल्प से मैं इस कार्डबोर्ड को पूरा कलर कर लेती हूँ। और मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी डार्क कलर का यूज़ कर सकते हैं, बट हम सीडी का क्राफ्ट बना रहे हैं तो आप पता है सीडी का कलर होता है वाइट और या फिर डार्क ब्लू। तो वो इस ब्लैक कलर पर काफ़ी अच्छे से निखर कर आएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो डार्क ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पर पूरे कलर को कर देती हूँ और इसको सूखने रख देते हैं। अब आती है बारी हमारी सीडीज़ की। तो देखिए कितनी सारी सीडीज़ हैं, हम पहले कितना यूज़ करते थे सीडीज़ को, बट अब तो वेस्ट ही हैं। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया है, ये देख सकते हैं आप इतना बड़ा है। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर मैं इस पर एक इस तरीके से हाफ राउंड को क्रिएट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा, ताकि हम इसको खोलें तो ये एक लीफ का डिज़ाइन आए। तो अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए कट हो चुका है और एक पत्ती का डिज़ाइन बन चुका है। अब हम लेते हैं एक सीडी और उसके ऊपर मैं इस जो मैंने कटिंग करी है उस कटिंग को इस सीडी के ऊपर रख लेते हैं और इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए आप धीरे धीरे इसको पूरी लीव को इस सीडी के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें कटिंग करने में थोड़ी आसानी हो। और अब हम लेते हैं ये एक इस तरीके का कागज़ का टुकड़ा, ये देखिए सिंपल है। इसको मैं सीडी के नीचे लगा लेती हूँ और अब इसे हम कट करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीडी थोड़ी टाइट होती है और जब इसे हम कट कर देते हैं तो ये चटकना स्टार्ट हो जाती है। चटकने के बाद ये वेस्ट भी हो सकती है और हम जो बनाना चाह रहे हैं वो बन भी नहीं पाएगा। तो अगर हम इसके नीचे इस तरीके का पेपर लगाकर कटिंग करेंगे तो ये कटने में बहुत इजी रहता है, बट हाँ थोड़ा सा टाइट तो कटता ही है। अगर आप इसके लिए चाहें तो सीडीज़ को कुछ देर के लिए गर्म पानी में छोड़ दें और फिर उसके बाद इस पर सीडीज़ पर इस तरीके से ड्रॉ करके कटिंग करेंगे तो बड़ा इजीली कट हो जाएगा, क्योंकि फिर सीडीज़ गर्म होने के बाद थोड़ी सॉफ़्ट हो जाती हैं और सॉफ़्ट होने के बाद कटिंग करने में बड़ी इजी रहती है। तो देखिए पत्ती कितनी जल्दी तैयार हो गई। और मैं इसी तरीके से अब सारी पत्तियों को धीरे 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 कट करके अलग कर लेती हूँ। और काउंटिंग नहीं है कुछ इनकी, आप जो ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लीव्स को कट कर लें। शायद 20-25 होंगी ये। तो मैंने इस तरीके से धीरे धीरे सारी पत्तियों को कट कर लिया और वेस्ट अलग करते जाते हैं, पत्तियों को एक साइड रखते जाते हैं। तो ये देखिए हमारी सारी पत्तियां तैयार हो गई हैं, इन्हें हम एक साइड कर देते हैं और एक और सीडी लेते हैं। और उसके ऊपर मैं ये देखिए इस तरीके के एक बॉटल का ढक्कन रख रही हूँ, क्योंकि मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप किसी भी तरीके से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये मुझे इजी लगा। तो इस तरीके से देखिए एक सर्कल को ड्रॉ करने के बाद अब मैं ऐसे कर लेती हूँ कट। तो ये देखिए कट हो चुका है, अब हम इसे एक साइड रखते हैं और हमारी ब्यूटीफुल लीव्स भी रेडी हैं। और अब हम लेते हैं अपने कार्डबोर्ड को जिसको हमने ब्लैक कलर से पूरा कलर कर लिया है। इस तरीके से रख लेती हूँ मैं, वीडियो के अकॉर्डिंग आपको ठीक से दिखेगा। अब सारी लीव्स को लेती हूँ मैं और जो मुझे यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करनी है उसके अकॉर्डिंग मैं इस पूरी लीव्स को इस तरीके से सेट करती जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले बीच में रखा एक सर्कल और अब हम एक फ्लावर ड्रॉ करते हैं इस पर। तो इस तरीके से हम पत्तियों को इस पर सेट करते जाएंगे, जैसे जैसे सुंदर लगेगा वैसे वैसे इसको सेट करते जाएंगे हम। ये देखिए हमारा एक फ्लावर बन चुका है। अब इसके बाद दो पत्तियों के बीच में से एक पत्ती निकालनी है आपको। ये देखिए इस तरीके से ये जो दो पत्तियाँ दिखी इसके बीच में मैंने एक पत्ती लगा दी और इन दोनों के बीच में एक लगा दी। इस तरीके से आप सिर्फ इस तरीके से डिज़ाइन को सेट करते जाइए।
जैसे जैसे आपको शेप अच्छी लगे उस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। दो पत्तियों के बीच में से एक एक पत्ती निकालते हुए इस तरीके से देखिए, हल्का सा हमने ऊपर की तरफ डिज़ाइन क्रिएट किया है, ये देखिए। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी छोटी पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हमें नीचे पत्ती यूज़ करनी है उसमें ये पत्ती थोड़ी बड़ी लगेगी, तो मैं थोड़ा सा छोटी पत्ती भी इसमें कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है यहाँ पर, ये मैंने छोटी पत्ती यूज़ करी है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम रहा। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ सेट कर देती हूँ और इसे कर देती हूँ यहाँ सेट। तो आपने देखा जो हमारी जगह थी उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी छोटी पत्तियाँ भी कट कर ली हैं और यहाँ पर इस तरीके से इन्हें सेट कर लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अब मुझे फिट लग रहा है ये। तो अब मैं इस तरीके का ग्लू ले लेती हूँ एक, और जहाँ जहाँ पर मैंने ये पत्तियाँ सेट करी हैं वहीं वहीं से उठाती जाती हूँ और एक एक पत्ती पर ग्लू लगाकर उन्हें वहीं की वहीं सेट करती जाती हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो बिल्कुल वैसा ही सेट रहेगा जैसा हमें चाहिए। और एक बार ग्लू लगने के बाद अगर हम लेप को लगा देंगे इस पर और अगर वो अच्छा नहीं लग रहा होगा तो उसे हटाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम पहले इस तरीके से सेट कर लेते हैं जैसा हमें डिज़ाइन चाहिए और फिर उसके बाद एक एक लीव उठाते जाते हैं और उस पर फेविकॉल लगा लगा कर इस तरीके से उन्हें फिक्स करते जाते हैं। बहुत ईजी वर्क है और आप इसको अगर बनाना बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 मिनट लगते हैं सिर्फ इसे बनाने में। सबसे ज़्यादा ईजी ये क्राफ्ट है और सिर्फ इसमें सीडीज़ को कट करने में टाइम लगेगा, बाकी पूरी जो ये क्राफ्ट है इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा और ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है और सच में बहुत सुंदर लगता है ये। आपको ब्यूटीफुल लग रहा है सिर्फ वीडियो में, लेकिन आप अगर रियल देखेंगे तो इतना सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा। आप इसको जिस वॉल पर टांगेंगे वो ये उस कलर में शाइन करते हैं। तो देखिए हमारी सारी पत्तियाँ इस तरीके से धीरे धीरे फिक्स हो गई हैं, अब सिर्फ कुछ पत्तियाँ बची हैं ऊपर की, उन्हें भी मैं जल्दी जल्दी इसमें फ़िक्स कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी ये भी हो गई फिक्स, ऊपर की एक और रह गई है, ऐसे और लगा लेते हैं। ये तो पूरा हो गया है, शायद नीचे की रह गई हैं इन्हें और लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, वाओ हमारा पूरा ये देखिए क्राफ्ट रेडी हो चुका है। अब इसको पलट लेते हैं क्योंकि फिनिशिंग पीछे भी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं पीछे इसकी पूरी किनारी पर इस तरीके से फेविकॉल को लगा लेती हूँ, थोड़ा सा बीच में भी लगा लेती हूँ और हाथ से इसको पूरे में स्प्रेड कर लेते हैं ताकि मैं इसके ऊपर जो पेपर को फिक्स करूँ वो अच्छे से फिक्स हो जाए। तो चलिए इस पेपर को इस पर फिक्स कर देते हैं अच्छे से दबा कर। तो ये देखिए हमारी वॉल हैंगिंग में पीछे भी फिनिशिंग आ गई पूरी। और अब इसे हम हैंग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसके यहाँ पर हल्का सा फेविकॉल लगाकर एक डोरी लेती हूँ, इस तरीके से इसे डबल करके ऊपर फिक्स कर देती हूँ यहाँ पर, हल्का सा होल ऊपर के लिए छोड़ देंगे और एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं दबाकर। तो ये देखिए अच्छे से हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगी आगे से पीछे से और हैंगिंग के लिए भी एकदम रेडी है हमारी आर्ट। ये देखिए कितना सुंदर और ब्यूटीफुल रेडी हुआ है। अब मैं इसको आपको वॉल पर भी हैंग करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना रॉयल लुक दे रही है। और देखिए किस चीज़ से बनी, एकदम वेस्ट, बिल्कुल जो हमारे लिए वेस्ट पड़ी हुई थी घर में जिसका कोई यूज़ नहीं था उससे हमने इतनी ब्यूटीफुल आर्ट बनाई है। इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा घर पे। और इसका ये आप देख सकते हैं जिस वॉल पर आप हैंग करेंगे उसी कलर में शाइन करेगी। अब ये देखिए ग्रीन भी शाइन कर रही है, पहले वाइट वॉल पर थी तो ये वाइट शाइन कर रही थी। इतना सुंदर वॉल हैंगिंग रेडी हुआ है, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।